सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक एंड टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब जो है आपको करेक्शन के लिए एक नया ऑप्शन मिल चुका है, जिसके अंदर से आप किसी भी जनसेवा केंद्र में जाके CSC के थ्रू आप अपना जो करेक्शन है वो करवा पाएंगे। इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके अंदर एक ऑप्शन जुड़ चुका है जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। उसके अंदर आप अब जो है CSC के थ्रू अपना जो एप्लीकेशन है वो करेक्शन करवा पाएंगे। तो दोस्तों, अभी हाल ही में काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कत हो रही है, जैसे कि उसके नाम में कोई गड़बड़ी है या फिर उसके डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच नहीं हो रहा है। इसके वजह से आपको मैसेजेस आ रहे हैं जो इसकी ऑफिशियल साइट की तरफ से। तो आपको उसका करेक्शन करवाने के लिए अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आप CSC के थ्रू भी करवा पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसकी वेबसाइट मिलेगी और यहाँ पर आपको CSC लॉगिन का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर एक दूसरा भी ऑप्शन आया है FTO लॉगिन, तो इसके बारे में आपको एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पर आपको फ़िलहाल CSC लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पर ये वर्क करने लगेगा। यहाँ पर आपको CSC का ID पासवर्ड डालने के बाद इससे लॉगिन हो पाएंगे और जो भी करेक्शन का काम है वो आप यहाँ से इजीली कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर सर्विस स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर उसका ऑप्शन आ चुका है। तो ऑप्शन आया है तो सर्विस भी स्टार्ट हो ही जाएगी। और यहाँ पर आप फार्मर का जो भी रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, उसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल में देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको बस यही बताना था कि CSC के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। इससे क्या होगा, क्या काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत नहीं होगी कि पहले क्या था कि आप अपने आप करते थे या फिर आपको कहीं पर जाना पड़ता था, लेकिन अब आप जाएंगे जो CSC का जनसेवा केंद्र होता है वहाँ पर जाएंगे तो आपका जो करेक्शन है वो वहाँ पर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर मेरे ख्याल से वो भी होगा कि आप CSC के थ्रू इसमें नया रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। तो बस यही बताना था इस वीडियो में, इस वीडियो को बना का मकसद वही था। तो बस आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेशन वाला लगा होगा। तो दोस्तों, ऐसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए अगर आपको तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर इससे थोड़ा सा भी नॉलेज आपको मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इससे कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज की वीडियो बस नहीं। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.